बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग एजेंसी ईटा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर 1200 से प्लस असामियाँ हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, इंटरमीडिएट बैचलर और मास्टर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल दूंगा, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई की और इनकी मुकम्मल डिटेल की, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली गूगल पर एक वेबसाइट सर्च करेंगे जी, pkjobinfo.com, और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके अलावा इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं जो चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जो है वो ईटा में आने वाली जॉब्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आज न्यूज़पेपर में इसका ऐड आया है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग एजेंसी ईटा डिपार्टमेंट नेम है, इंटरमीडिएट बैचलर मास्टर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, 1200 से प्लस असामियाँ हैं, KPK इसकी लोकेशन है और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल के हमल उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 मार्च 2021 है। अप्लाई का मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाने हैं वो भी यहाँ पर मुकम्मल डिटेल मेंशन है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ जी कौन कौन सी असामियाँ हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हर सब्जेक्ट के लिए 10 असामियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की 35 असामियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र 45 असामियाँ है। सामने इसकी असामियों की तादाद, उम्र की हद और तालीमी काबिलियत मेंशन है, वो यहाँ पर आकर सिंपली आप रीड कर लीजिएगा। इम्तिहान कंट्रोलर की 45 असामियाँ है, अकाउंट्स ऑफिसर की 1 है, अकाउंटेंट की 2 हैं, ऑडिट ऑफिसर की 2 हैं, ऑडिट असिस्टेंट की 3 असामियाँ हैं, ऑफिस मैनेजर की 1 है, ऑफिस असिस्टेंट की 3 है, इन्वेजिलेटर की हर ज़िले से 30 असामियाँ हैं। ये तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के 35 अज़ला बनती हैं और यहाँ पर 1000 से प्लस ये असामियाँ बनती हैं इन्वेजिलेटर की। FAFSC रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कैशियर की 2 असामियाँ हैं, डाटा एंट्री ऑफिसर की 6 असामियाँ हैं, लीगल एडवाइज़र की 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 6 हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की 2 असामियाँ हैं, उसके बाद वेब डेवलपर की 2 हैं, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की 3 हैं, फिजिकल टेस्ट सुपरवाइज़र की 35 असामियाँ हैं और ऑफिस बॉय की 2 असामियाँ हैं। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने दरख्वास्त और बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है वो आप ईटा की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर आते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर में यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक के नाम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसको वहाँ से आपने जो है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म और बैंक डिपॉजिट स्लिप आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसको आपने फिलअप करके बैंक में जमा करवा देंगे जी डिपॉजिट स्लिप को। उसके बाद आप उसकी जो है वो आपको जमा शुदा की आपने एक कॉपी लेनी है और CNIC की कॉपी लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, फिलअप करना है, इन तीनों को अटैच करना है और आपने इसको सबमिट करवा देना है जी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, ईटा ऑफिस नंबर 2 सेकंड फ्लोर आजम टावर मेन यूनिवर्सिटी रोड पिशावर, इस जगह पर आप सिंपली सबमिट करवा देंगे। उसके अलावा मुकम्मल डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर आकर इसको रीड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।